आखिर कब तक सहेंगी महिलाएं समाज में जुर्म? क्या इस देश में महिलाओं का कोई स्थान नहीं? क्यों आज की यह मॉडर्न पीढ़ी अपनी सोच नहीं बदलती? महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि महिलाएं इस सदी में महफूज नहीं हैं। आए दिन महिलाओं पर होने वाले अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा मामले दुष्कर्म के हैं। आज से 3 साल पहले दिल्ली में हुए निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले ने भारत समेत पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया था। उस घटना के बाद जिस तरह देश एकजुट होकर न्याय के लिए खड़ा हो गया था, उस समय ऐसा लगा कि मानो देश से इस तरह के अपराध का खात्मा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रोजाना इस तरह के अपराधों में बढ़ोतरी ही दर्ज की गई। ऐसे में वर्तमान सरकार भी महिलाओं के खिलाफ हो रहे बलात्कार जैसे अपराधों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। नाकाम साबित हो भी ना तो कैसे, क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर न्याय मिल पाना मुश्किल है। साल 2017 में महिलाओं से कुछ ऐसी वारदातें हुई जो हमें रुककर सोचने को मजबूर करती हैं और महिला सुरक्षा के खोखले वादों की पोल खोलती हैं। निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा को लेकर देश में बड़े बड़े वादे किए गए। महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून से लेकर पैनिक बटन तक तमाम तरह के वादों की झड़ी लगा दी गई। वर्ष 2017 की शुरुआत में यमुना एक्सप्रेस पर जेवर बुलंदशहर मार्ग पर 4 महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले ने सबकी मोहें तान दी थी। कार में सवार एक परिवार जेवर से बुलंदशहर जा रहा था। रास्ते में कार का टायर पंचर होने पर ड्राइवर मदद मांगने के लिए कार से उतरा। इस दौरान 6 लोगों ने सरिया, चाकू और बंदूक से उन पर हमला किया और महिलाओं को पास की झाड़ी में खींच कर ले गए और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दूसरा दुष्कर्म का चर्चित मामला गुरुग्राम का रहा। गुरुग्राम के मानेसर में 19 साल के युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म ने एक बार महिला सुरक्षा के खोखले दावों की पोल खोल दी थी। यह महिला अपने 8 महीने के बच्चे के साथ ऑटो से सफर कर रही थी कि ऑटो चालक और ऑटो में सवार 2 अन्य लोगों ने मौका पाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। इस बीच जब बच्चा रोया तो हैवानों ने गुस्से में आकर उसे सड़क पर फेंक दिया, जिससे उस महिला की मौत हो गई। महिलाओं की सुरक्षा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में एक अहम चुनावी मुद्दा है। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए देश के सबसे असुरक्षित राज्यों में से एक राज्य है। महिलाओं के साथ होने वाले 11% अपराध इसी राज्य में होते हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के उन्नाव से आया है, जिसमें 90% भारत पर राज्य करने वाली पार्टी के विधायक पर ही बलात्कार का आरोप पीड़िता द्वारा लगाया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारे प्रदेश की महिलाएं अगर रात के 10 बजे भी घर से बाहर निकलेंगी तो वह अपने आप को सुरक्षित समझेंगी। हमें बालिका और महिलाओं की सुरक्षा देनी है। रात्रि को 10 बजे 12 बजे भी अगर कोई बालिका कहीं से आ रही है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हमें देनी है। लेकिन ये क्या, योगी जी आप ही के बांगरमऊ विधानसभा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा उन्नाव के एक युवती की आबरू तार तार कर दी गई और इतने से भी मन ना भरा तो उसके पिता को भी मौत के घाट उतार दिया गया। और यूपी डीजीपी ओम प्रकाश सिंह कहते हैं कि यूपी पुलिस किसी से भी भेदभाव नहीं समझती। जो फरियादी अपनी शिकायत लेकर थाने में पहुंचता है उसकी सुनवाई शिकायत की सुनवाई समय से होती है, लेकिन डीजीपी साहब अभी कुछ दिन पहले ही आपके पुलिस की कस्टडी में ही बलात्कार पीड़िता के पिता की मौत हो गई थी। दारी से योगी जी से कि मुझे न्याय दिलाया जाए, तभी मुझे बीजेपी पे भरोसा होगा, नहीं तो मैं तो कहती हूँ बीजेपी मुर्दाबाद है। योगी सरकार जो है मेरा साथ नहीं दे रही है तो हम लोग आत्महत्या करेंगे, हम इन लोगों के हाथ नहीं मरेंगे। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, ये मामले यह बताने के लिए पर्याप्त है कि निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा को लेकर कुछ नया नहीं हुआ है। उन्नाव मामले में 11 जून 2017 को मां की तरफ से 3 लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। फिर 20 जून 2017 को पुलिस ने लड़की को ओरैया के एक गांव से बरामद कर मजिस्ट्रेट के सामने आईपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया। जुलाई 2017 में चार्जशीट दाखिल हुई। फरवरी 2018 में पीड़िता की मां की ओर से उन्नाव जिला अदालत में अर्जी दी गई और विधायक पर रेप का आरोप लगाया गया। फिर क्या, विधायक ने अपनी सत्ता को धनक दिखाते हुए 3 अप्रैल 2018 को कोर्ट से आते वक्त पीड़िता के परिवार पर जानलेवा हमला किया।
दोनों तरफ से FIR दर्ज हुई, लेकिन कार्यवाही सिर्फ पीड़िता के परिवार के ही खिलाफ हुई और पीड़िता के पिता को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर 4 अप्रैल को जेल भेज दिया गया। फिर क्या, जिस बात का डर और जो होना था वही हुआ। पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में 8 अप्रैल को मौत हो गई। यदि इस केस में पीड़ित कोर्ट का सहारा नहीं लेते तो शायद अपराधी आज भी मौत की जिंदगी जी रहे होते। इसी के बाद एक बलात्कार की घटना जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 8 साल की बच्ची से गैंगरेप और हत्या के मामले में 4 महीने बाद अब पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस की यह चार्जशीट बताती है कि मासूम बच्ची के साथ किस हद तक दरिंदगी की गई। ये कैसा मोदी राज है जहां घर की बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो मोदी जी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहां तक सही होता है। विगत में घटित घटनाओं से यकीनन हम कह सकते हैं कि ये राम राज्य नहीं रावण राज्य है, क्योंकि अपराधी खुलेआम अपने अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर की बहन बेटियां कैसे घर से बाहर निकलेंगी।